सर्वप्रथम हम दीप को नमस्कार करते हैं, तो प्रकाश देता है लेकिन खुद को अंधेरे में रखता है। इसलिए इस दीप की महत्ता को हम समझेंगे और अपने अंदर अंधकार रूपी जो आपके मन में हर एक दूसरे के प्रति कोई भी अंधकार काम करता है, माने या हर उस खुशी के पल में मंच पे आसीन मीडिया कर्मी के लोग और उससे भी ज़्यादा आज मैं इस महत्वपूर्ण कार्य में जिन्होंने मुझे बुलाया भास्कर जी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विषय तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गंभीर है, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ है और अभी बच्चों ने जो हम लोग को वृक्ष दिए हैं वो हमारे पर्यावरण और विश्व के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तीनों विषय पर मैं बोलने लगूंगा तो हो सकता है कि शाम हो जाए क्योंकि बहुत कुछ इसमें बोलना है, लेकिन बड़े बात करेंगे कि बाल विवाह उन्मूलन पर कार्यशाला चलाया जा रहा है, कैसे मन में आया ख्याल इस कार्यशाला को चलाने के लिए? यह बाल विवाह जो है आदिकाल से चला आ रहा है और यह बाल विवाह जो है आधुनिक काल में हम सभी प्रयासरत हैं और साथ ही साथ सरकार भी कई योजनाएं कई कानून बना रही है बाल विवाह को रोकने के लिए, परंतु लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। वैसे लोग हैं जो शिक्षा के अभाव में बाल विवाह कर रहे हैं। बाल विवाह हम प्रयास कर रहे हैं कि उन जगहों को हम चिन्हित करें जहां पर बाल विवाह हो रहा है और वैसे जगहों पर हम थाना से संपर्क करके उन बाल विवाहों को रोकें। मंदिरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कई सारे मंदिरों में यह कार्यक्रम बाल विवाह किया जाता है, वहाँ पे भी हम अपने कॉलेज के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वहाँ पर बाल विवाह को रोकें। अच्छा, बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को जागरूक होने के लिए ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो वो जाने कि बाल विवाह कर क्यों रहे हैं, क्या हम अपनी पीढ़ियों की ही कार्य को दोहरा रहे हैं या फिर हमें कुछ और भविष्य में करना है। ठीक है, हमारी पीढ़ियों ने जो गलती कर दी या फिर जो कार्य कर दिया उसको हम सुधारेंगे। अच्छा, एक बात बताया जाए, बाल विवाह जो होता है उससे हानियाँ क्या क्या होती हैं? बाल विवाह से हानियाँ सर्वप्रथम तो यह है कि हमारे जैसे जो युवावस्था के नौ युवक नौ युवतियाँ हैं काम विकार के वासनाओं में फंस जाते हैं 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के उम्र में। तो लोग पहले के लोग क्या करते थे कि इन सब चीज़ों से लोग गलत रास्तों पकड़ लेते हैं, कुकर्म के माध्यम करने लगते हैं, तो इनसे बचने के लिए लोग पहले बाल विवाह करा देते हैं। लेकिन अब जो बाल विवाह को रुक गया है, सही समय पे विवाह होने से क्या हो रहा है कि हमारे जो जनरेशन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो स्वस्थ जन्म ले रहे हैं और उस महिला को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जो जन्म दे रही है, उस माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सेहत रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। ठीक है, पर्चे बता दीजिए। दिव्यांशु मिश्रा, NSS वॉलंटियर।